हेलो दोस्तों, यदि आप किसी रिलेशन में हो और आपको जानना है कि आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा है कि नहीं, तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर यह आदतें आपके पार्टनर में हैं तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। तो जो पहली आदत है वह आदत है अपनी बातों से मुकरना। क्या आपके पार्टनर की यह आदत होती है कि वह जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं? यदि एक बार हो तो चलता है दोस्तों, लेकिन यदि बार बार आपके पार्टनर अपनी बातों से मुकर जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। दूसरी आदत है अपनी बात कहना। आपके पार्टनर के अंदर यदि यह आदत है कि यह केवल अपनी ही बात कहता चला जाता हो और आपकी बातों को अहमियत ही नहीं देता हो, तो यह भी आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे भी। तीसरी आदत है दोस्तों हर वक्त बोले झूठ। यदि आपके पार्टनर के अंदर झूठ बोलने की आदत है दोस्तों, तो यह एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और आपका रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकता है दोस्तों। चौथी आदत है दोस्तों अपनी चीजों को लेकर शो ऑफ करना। यदि आपका पार्टनर थोड़ा पैसा वाला है या रिच है, उसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह शो ऑफ यानी कि दिखावा करे। ऐसा करने वाला लोग भविष्य में दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अगली आदत है खुद को परफेक्ट मानना। कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद को एकदम से परफेक्ट मानते हैं और सामने वाले को खुद से कम। यदि आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी ही आदत है, तो हो सकता है कि भविष्य में वो आपकी तुलना अपने साथ करे और ऐसे में वो आपको नीचा दिखा सकता है दोस्तों। ऐसे लोगों से भी दूर रहना ही बेहतर है। और अगली आदत है केवल अपने काम को ही अहमियत देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह केवल अपने ही काम को अहमियत देते हैं और दूसरे के काम को कुछ भी नहीं समझते हैं। यदि आपके पार्टनर में भी ऐसी ही आदत है, तो आप ऐसे पार्टनर को शादी करने के लिए हाँ बोलने से पहले एक बार विचार करें, क्योंकि हो सकता है कि वह आपके लिए शादी के बाद बिल्कुल भी अच्छा साबित ना हो। और इम्पोर्टेंट, जो सबसे ही जो आजकल सभी लोगों में है, एक बहुत ही प्रचलन हो गया है कि आपके फ़ोन को करना है चेक। यदि जो पार्टनर आपके फ़ोन को बार बार चेक करता है, आप पे निगरानी रखता है, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत आदत है। ऐसे पार्टनर से दूरी बना लो दोस्तों, क्योंकि ऐसे पार्टनर आपको शक के सिवा कुछ नहीं दे सकते हैं। इसमें रिश्ता कहीं पे भी मजबूत नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों आप किसी रिलेशन में हो, तो मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताता हूँ कि इन बातों को ना करें। सबसे पहली बात है कि अपने पार्टनर पर शक ना करें, इससे आपका रिश्ता टूटना ही टूटना है। दूसरी बात, यदि आपके पार्टनर के व्यवहार में बदलाव आता है, तो उसके पास बैठें, उससे बातें करें, उसके व्यवहार के बदलाव को पूछने के कारण बताएं, पूछें उससे। और तीसरी आदत है अपने पार्टनर से कभी झूठ ना बोलें। इससे क्या होगा कि जो आपका पार्टनर है उसका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा दोस्तों। और चौथी आदत है हर परिस्थिति में अपने पार्टनर का साथ दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने बीच किसी तीसरे को ना आने दें दोस्तों। और रिलेशनशिप पे सबसे जरूरी है भरोसा, इसको बनाए रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।